हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी एसबीआई कार्ड का आईपीओ आने वाला है, तो हम क्या करें या क्या स्टेप्स लें जिससे हमारा आईपीओ के अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे नए वीडियोज़ के। पहला पॉइंट है कट ऑफ बिड्स। आपने अगर इससे पहले आईपीओ में अगर भाग लिया होगा तो आपको पता चला होगा कि एक कट ऑफ प्राइस होता है। सपोज़ लास्ट टाइम उज्जीवन फाइनेंस का आईपीओ आया था तो उसमें कट ऑफ प्राइस था 36 से लेकर 37 तक। आपको करना क्या है कि अगर सपोज़ 36 से 37 आता है और एक एक ऑप्शन रहता है कट ऑफ प्राइस का, तो आप उस पर टिक कर दो कट ऑफ प्राइस पे। वो ऑलरेडी आपको सेलेक्ट कर लेगा 37 का। इससे क्या हुआ कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीओ अलॉटमेंट के। सपोज़ आपने 36 पे क्लिक कर दिया या 36 आपने सेलेक्ट किया, तो इससे क्या होगा, मान लो अगर 36.5 पे लिस्ट होती है तो आपके चांसेस ऑलरेडी ख़त्म हो गया ये अलॉटमेंट मिलने का। तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं जब आप कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करो। दूसरा पॉइंट है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इंक्रीज करो, मतलब मैक्सिमम अकाउंट से आप अपना अलॉटमेंट डालो आईपीओ अलॉटमेंट। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि आप सेम पैन से अलग अलग अकाउंट डीमैट अकाउंट मत खोलिए। आप क्या करो कि अपने फादर का एक अकाउंट खुलवा लो, अपने मदर का एक अकाउंट खुलवा लो, अपने सिस्टर का एक अकाउंट खुलवा लो और आपका खुद का एक अकाउंट होगा। तो इससे क्या होगा कि मान लो आपको 90,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप 15-15 या 10-10 हज़ार रुपये हर 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 अकाउंट से इन्वेस्ट करो। उससे आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये फ़ायदा है डीमैट अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने का। इससे क्या हुआ कि आपके चांसेस भी बढ़ गए। अगर एक में भी आपका मिल गया अलॉटमेंट तो वो पूरे साल भर का या डीमैट अकाउंट खोलने के पैसे को वसूल लेगा आपसे, आप वसूल लोगे। ये फ़ायदा है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा। तीसरा पॉइंट है बिड साइज़। बिड साइज़ का मतलब ये है कि जैसे कि लास्ट स्टेप में आपने 3-4 अकाउंट खुलवा लिए थे, तो अब क्या करो कि आप एक अकाउंट से एक लॉट लो, दूसरे अकाउंट से 2 लॉट लो, तीसरे अकाउंट से 3 लो, चौथे से 4 लॉट लो। इस टाइप से आप अलग अलग बिड अलग अलग लॉट की बिड करो। तो उससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अलॉट होने के। ये तीसरा पॉइंट था जो आपका चांसेस इंक्रीज कर सकता है। अभी हम लोग जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 80% रिजेक्शंस हो जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट में, ओनली 20% 15-20% लोगों को ही अलॉट होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण है कि मान लो आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है, आपने दोनों से आईपीओ के लिए अलॉट किया लेकिन वो डीमैट अकाउंट सेम पैन से खुले हुए हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको आईपीओ अलॉट होगा। ट्राई कीजिए कि आप अलग अलग पैन अकाउंट वाले डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है किसी किसी आईपीओ में कि शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो या इंडिविजुअल कैटेगरी से। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी और इंडिविजुअल कैटेगरी दोनों क्लिक कर देते हो, दोनों से अप्लाई करते हो, तो आपके चांसेस घट जाते हैं आईपीओ आपको अलॉट होने के। ट्राई कीजिए कि एक ही कैटेगरी से अप्लाई करें। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप शेयर होल्डर से अप्लाई करो क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको अलॉटमेंट मिलने के। नेक्स्ट एसबीआई कार्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि अगर आप 20 फरवरी 2020, जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मार्च 2 से मार्च 5 तक इसका आईपीओ होने वाला है। अगर 20 फेब 2020 से पहले तक या उससे पहले आपके पास एसबीआई का शेयर है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में होगे। आप अभी शेयर होल्डर कैटेगरी से इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप जब अप्लाई करोगे तो आप अपना कैटेगरी चुनना शेयर होल्डर कैटेगरी,
इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और बाकी 3 पॉइंट जो मैंने इनिशियली डिस्कस किया है वो तो आप करना ही, इसके अलावा शेयर होल्डर कैटेगरी में सेलेक्ट करना। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ आप कमेंट या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू।